गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आपणे पार्ट त्रण गया वीडियो द्वारा समझी चूक्या हता। हवे आजे आपणे पार्ट त्रणनी स्वाध्याय पोथीनी आपणे अहींयाथी शुरुआत करीशुं। स्वाध्याय पोथीना शुरुआतमां दरेक पाठ हो के काव्य होय, शुरुआतमां विकल्पो होय छे, तो के अहींया बोर्ड पर खाली जवाब ज लखवामां आव्या हशे। तो आपणे विद्यार्थी मित्रों बोर्ड परथी जवाब स्वाध्याय पोथीमां लखीशुं अने सवाल स्वाध्याय पोथीमांथी जोईशुं अने वीडियो द्वारा सवालने आपणे सांभळीशुं। तो पहेलो प्रश्न छे निम्नलिखित विकल्पों के सही उत्तर ढूंढकर लिखिए। पहेलो प्रश्न छे स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 9 पर पहेलो प्रश्न छे निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर ढूंढकर विकल्प लिखिए। तो एनो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पहलो प्रश्न छे पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कौन करता था। पुराना जमाना में सामान लई जवानू काम कौन करतू हतू। तो पहला नो जवाब शू आवशे बंजारे। बीजो नंबर माल सामान ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था। माल सामान लई जवा माटे कोनो उपयोग करवामां आवतो हतो। तो बीजानो जवाब आवशे ऊंट। आंसर नंबर 2 बीजानो जवाब आवशे ऊंट। पछी विकल्प में क्वेश्चन नंबर विकल्प नो त्रीजो सवाल कूत्ते की वफादारी पर कौन बहुत खुश था। कूतरा की वफादारी पर कौन वधारे खुश हतु। तो तीजा नो जवाब आवशे बंजारा। चौथो सवाल लाखा ने जमानत के रूप में सेठ के पास क्या रखा। लाखाए जमानत माटे सेठनी पासे शू गिरवी राख्यू हतु। तो शू जवाब आवशे कूत्ता। चौथानो जवाब आवशे कूत्ता। पांचमो सवाल चोरो ने सारा माल सामान कहाँ गाड़ दिया। चोरोए बधो ज माल सामान क्यां दाटी दीधो हतो। तो शू आवशे जंगल। पांचमानो जवाब आवशे जंगल में। विकल्प में पहला नो जवाब बंजारे, बीजा नो जवाब ऊंट, तीजा नो जवाब बंजारा, चौथा नो जवाब कूत्ता अने पांचमानो जवाब जंगल में। आ क्वेश्चन नंबर 1 ना जवाब छे। हवे आपणे क्वेश्चन नंबर 2 जोईशुं। क्वेश्चन नंबर 2 छे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति एटले खाली जगह पूरो। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 स्वाध्याय पोथी पाना नंबर 10। तो एमा खाली जगह पहली लाखा खाली जगह के एक सेठ के पास पहुंचा। कयो सेठ हतो, कया सेठनी पासे पहुंचा था। राधनपुर। खाली जगह बीजी अब पछताए होत क्या जब खाली जगह चूग गई खेत। तो बीजी खाली जगह में आवशे जवाब चिड़िया। त्रीजी खाली जगह
कुत्ता रात को बंजारे के खाली जगह की रखवाली करता था। त्रीजी खाली जगह में जब आवशे पड़ाव, त्रीजी खाली जगह में आवशे जवाब पड़ाव। चौथी खाली जगह लाखा सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली। तो चौथी खाली जगह में आवशे जवाब जबान। पांचमी खाली जगह बंजारा अपने कुत्ते की खाली जगह से खुश था, वफादारी। पांचमी खाली जगह में आवशे जवाब वफादारी। छठी खाली जगह लाखा के पास एक सुंदर खाली जगह था, कुत्ता। सातवीं खाली जगह कुत्ता सेठ को खाली जगह पकड़कर आगे खींचने लगा। सातवीं खाली जगह में जवाब आवशे धोती। सातवी खाली जगह में जवाब आवशे धोती। आठवीं खाली जगह राधनपुर नगर खाली जगह जिले में है। राधनपुर नगर खाली जगह जिले में है तो कया जिल्ला में छे? पाटण। आठमी खाली जगह में आवशे पाटण। नवमी खाली जगह सेठ खाली जगह की वफादारी पर मुग्ध हो गया। तो नवमी खाली जगह में आवशे जवाब कुत्ता। नवमी खाली जगह में आवशे जवाब कुत्ता। खाली जगह नंबर दस। खाली जगह नंबर दस बंजारा ने कुत्ते के खाली जगह पर लाठी का प्रहार कर दिया। तो दसमी खाली जगह में जवाब आवशे माथे। दसमी खाली जगह में जवाब आवशे माथे। अग्यारमी खाली जगह वफादार कुत्ते की खाली जगह बनवाई गई। तो अग्यारमी खाली जगह में शू जवाब आवशे समाधि। समाधि। खाली जगह क्वेश्चन नंबर बे स्वाध्याय पोथी पाना नंबर दस। पहली खाली जगह में राधनपुर, बीजी खाली जगह में चेड़िया, तीजा में पड़ाव, चौथा में जबान, पांचमा में वफादारी, छठा में कुत्ता, सातमा में धोती, नंबर आठ पाटण, नवमा में कुत्ता, दसमा में माथे और अग्यारमा में समाधि। आ क्वेश्चन नंबर एक ना विकल्प ना जवाब और क्वेश्चन नंबर बे ना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बेना जवाब। हवे आपणे क्वेश्चन नंबर त्रण जोईशुं। क्वेश्चन नंबर त्रण सही वाक्यांश सुनकर लिखिए। એમાં આન્સર નંબર એક પહેલો સવાલ છે, ક્વેશ્ચન નંબર ત્રણનો પહેલો સવાલ સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર દસ પર લાખા બંજારે રૂપિયે લઈને જવાબમાં આવશે સી રાધનપુર કે શેઠ કે પાસ પહોંચ્યા। રાધનપુર કે શેઠ કે પાસ પહોંચ્યા। क्वेश्चन नंबर त्रणनो बीजो सवाल, कुत्ते के बेहोश होकर गिर पड़ने पर लाखा ने देखा गले में बंधी हुई चिट्ठी। जवाब आवशे बी गले में बंधी हुई चिट्ठी। त्रीजो सवाल, चोरों द्वारा सेठ के गाड़े गए धन को कुत्ते को पता था क्योंकि
જવાબ ત્રીજામાં જવાબ આવશે સી, વ શેઠકા વફાદાર થા. ચોરો દ્વારા શેઠકે ગાડે ગયે ધન કા કુત્તે કો પતાતા ક્યોંકિ ઉસને ચોરો કા પીછા કિયા થા. જવાબ આવશે ઉસને ચોરો કા પીછા કિયા થા. ક્વેશ્ચન નંબર ત્રણ, સહી વાક્યાંશ સુનકર લિખે. પહેલામાં જવાબ આવશે રાધનપુર કે શેઠકે પાસ પહોંચ્યા. બીજામાં જવાબ આવશે ગલે મેં બંધી હુઈ ચિઠ્ઠી. ત્રીજામાં જવાબ આવશે ઉસને ચોરો કા પીછા કિયા થા. ક્વેશ્ચન નંબર એક, ક્વેશ્ચન નંબર બે અને ક્વેશ્ચન નંબર ત્રણના જવાબ બોર્ડ પર લખેલા છે. ક્વેશ્ચન નંબર પાંચ, ક્વેશ્ચન નંબર પાંચ. વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર ચાર બાકી રાખજો અને આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર અત્યારે પાંચ લખીશું. ક્વેશ્ચન નંબર પાંચ, દો તીન વાક્યો મેં ઉત્તર લિખીએ. સ્વાધ્યાય પોથી પાના નંબર દસ પર ક્વેશ્ચન નંબર પાંચ, દો તીન વાક્ય મેં ઉત્તર લિખીએ. એનો પહેલો સવાલ છે સમાધિ ક્યો બનાઈ જાતી હે. ક્વેશ્ચન નંબર પાંચનો પહેલો સવાલ છે સમાધિ ક્યો બનાઈ જાતી હે. તો એનો જવાબ મારી સાથે સાથે લખશો, હું બોલતી જાઉં છું અને તમે લખશો પણ, હું પણ લખીશ જોડે. જબ કિસી ભી, જબ કિસી ભી મૃત વ્યક્તિ કી, મૃત વ્યક્તિ કી યાદ તાજા રખની હોતી હે, ઇસલિયે સમાધિ બનાઈ જાતી હે. પહેલો જવાબ, જબ કિસી ભી મૃત વ્યક્તિ કી યાદ તાજા રખની હોતી હે ઇસલિયે સમાધિ બનાઈ જાતી હે. ક્વેશ્ચન નંબર ટુ, આપ ઇસ કહાની કો ઓર કોન કોન સે શીર્ષક દેના ચાહેંગે. તમે આ કહાનીને બીજા કયા શીર્ષક દેવા માંગશો. પહેલું, જલ્દબાજી કા નતીજા. એક કુત્તા કી સમાધિ મંદિર. એક કુત્તા કી સમાધિ મંદિર. લાખા બંજારા ઓર ઉસકા કુત્તા. અપસ્તાય હોત ક્યાં. જબ ચિડિયા ચુગ ગઈ ખેત. ક્વેશ્ચન નંબર ટુનો આન્સર જલ્દબાજી કા નતીજા, એક કુત્તા કી સમાધિ મંદિર, લાખા બંજારા ઓર ઉસકા કુત્તા, અબ પસ્તાય હોત ક્યા, જબ ચિડિયા ચુગ ગઈ ખેત. આન્સર નંબર ત્રણ,
रात को कुत्ता पड़ावगी रखवाली कैसे करता था। रात को कुत्ता पड़ाव की जो पड़ाव की रखवाली करता यदि चोर लुटेरा पड़ाव की ओर आते दिखाई देते दो कुत्ता उन्हें उन्हें भौंक भौंक कर दूर तक भगा देता था। क्वेश्चन नंबर 4, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी। सेठे बंजारा साथे कई शर्त रखी। बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने आया था। परंतु रुपये के बदले में उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी न था। तब सेठ ने बंजारे से कुत्ता ही जमानत के रूप में रखने को कहा। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी
कुत्ता वापस दे दूंगा। यो शर्त रखी। क्वेश्चन नंबर 4 सुधी आपणे अहींया जोयुं, हवे क्वेश्चन नंबर 5 आपणे नेक्स्ट विडियोमां जोईशुं।